एसएससीईटी 2023 का बीएसएफ का 4-5 कमेंट आ चुका है, सबका 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करें। तो बोरा सिक्योरिटी फोर्स में आप जाना चाहते तो पहले आप 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि 15 तारीख से हमारा फिजिकल शुरू होने वाला है। 15 तारीख हमारे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डेली मॉर्निंग टाइम और उसके साथ अगर शाम में फ्री हो तो शाम टाइम आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 30 मिनट करके अपना वर्कआउट करें, रनिंग वर्कआउट। तो देखो 4-5 एक्सरसाइज करो, आपका रनिंग जो स्टेमिना है स्टेमिना को और भी ज़्यादा ताकत पर बढ़ाने के लिए 4-5 एक्सरसाइज करो। तो ठीक है, देखो इस ईट को इस तरह से हमने बिछाया, तो आप भी बिछा सकते हैं और इसके साथ रनिंग कर सकते हैं। टायर लेकर हम आए तो आप टायर हो एक भारी चीज़ हो, आप लेकर अपना ग्राउंड पर रनिंग वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने बॉडी को भी बहुत से ध्यान से रखना होगा और मेडिकल के लिए भी अपने आप को फिट में रखना होगा। अगर रनिंग में आपका लेग में दर्द होता है, सिन पेन होता है, तो आप डॉक्टर दिखाइए, जल्दी से अपने आप को इलाज करें ताकि आपका फिजिकल में जाने के लिए कोई समस्या ना आए। तो 15 अप्रैल से हमारा फिजिकल शुरू होगा, तो खुद पर ध्यान रखो और कॉन्फिडेंस रखो कि आप रनिंग अच्छे खासा कर पाएंगे। ठीक है, तो 24 मिनट टाइम दिया जाएगा, सुन लो, 24 मिनट टाइम के अंदर हमें 22 मिनट में 20 मिनट में कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपका 20 मिनट में रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 5 किलोमीटर रनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखें और धीरे धीरे स्लो स्लो रनिंग करें, लेकिन लगातार 20 मिनट तक आपको रनिंग करना पड़ता है। तो खुद ही आपका पता चल जाएगा कि रनिंग हम कर पाएंगे या नहीं, तो टेंशन नहीं करना है। देखो इस तरह ईट को बिछाओ और मेरे साथ रनिंग कर दो, ऐसे करके दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया काम। ऐसे करके आप रनिंग करो, जाओ आओ, ये बैग मेरा थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो नॉर्मल करें। ये लेग हो गई हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऐसे करके लेग को फ्री करो। इसमें लेग का ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है, ऐसे करके आप लेग को ताकत बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एबीसी, तो एबीसी कई प्रकार की है हमने देखा है, तो एबीसी को आज अलग तरीके से करेंगे। ऐसे टायर पकड़ो, इसके साथ रनिंग करेंगे। रनिंग बहुत ही हमारा लेग को स्पीड बढ़ाती है और एबीसी का भी फायदा हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, क्या डाइट प्लान करना होगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टिप्स है। तो डाइट अच्छा कीजिए, आपने रात में चना और किशमिश को भिगा कर रखो और सुबह जब आप रनिंग करेंगे तो रनिंग करने के बाद उसे कच्चा खा जाओ, जो भी आपका भिगा हुआ चना है उसे खा जाओ, उसका पानी भी पी जाओ, उसमें हमारा अंदर का ताकत बढ़ती है, मसल्स वृद्धि होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा लेग को घुटने वाला, जो ये लेग ज़्यादा दर्द होता है तो घुटने वाला को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती करेंगे। तो 5 किलोमीटर रनिंग में हमारा और भी ज़्यादा हमारे लेग को सहनशीलता और ताकत पर बढ़ा देगी। तो ये घुटने को आप ऐसे करके लेग का एक्सरसाइज करो, सिर्फ पैन आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे करके आप 10 बार कर सकते हैं। इसमें लेग का ताकत बढ़ जाती है, लेग का हार्मोन एक्टिव हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर पाएंगे। हमारे लेग में बहुत हार्मोन है तो इस हार्मोन को एक्टिव करना हमारा दायित्व है। नेक्स्ट है लॉन्ग एबीसी, रनिंग करने में आपका एबीसी जो आप करेंगे तो ये लॉन्ग एबीसी आप करें ऐसे।
ये भी आपको ज्यादा करना जरूरत नहीं, थोड़ी देर करे। नेक्स्ट है ये बलाइट से, हम वो बलाइट ऋषि करेंगे। तो कैसे ये एबीसी आप दो बार जाइए दो बार आइए, ठीक है? माथे में ज्यादा पसीना आ रहा तो आप ये एक्सरसाइज को करें और अपना डाइट को मेंटेन करें। 5 किलोमीटर रनिंग आपका जल्दी से जल्दी पूरी हो, ये मैं कम ना करता हूँ। और टायर लेकर ना दौड़े, ठीक है? टायर लेकर दौड़ने से हमारा मेडिकल में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं और कमेंट करना जरूर, आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। आज बस इतना ही, जो